लक्ष्मी माता को पांच प्रसाद जो सबसे अधिक प्रिय है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या का दिन दिवाली के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही उन्हें भोग भी अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें कौन से भोग प्रिय हैं? लक्ष्मी माता को वो पांच प्रसाद जो सबसे अधिक प्रिय हैं। पहले स्थान पर है मखाना का भोग। लक्ष्मी मैया को मखाना प्रिय है। इसका कारण यह है कि लक्ष्मी माता जल से प्रकट हुई, मखाना भी जल में पलता बढ़ता है, यानी जल से जन्म लेता है। सागर को मथने के बाद जैसे लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार मखाना भी जल में एक कठोर आवरण में ढका रहता है। दूसरा, सिंघाड़े का भोग। मखाने की तरह जल सिंघाड़ा भी पानी के अंदर ही फलता फूलता है। अक्टूबर नवंबर में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दौरान यह बाजार में खूब मिलता है। जल से उत्पन्न होने के कारण यह भी लक्ष्मी मैया को बहुत पसंद है। शास्त्रों में कहा गया है, देवी देवताओं को मौसमी फल प्रिय होते हैं, इसलिए जिस मौसम में जिस देवी देवता की पूजा हो, उस मौसम का फल देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। दीपावली के मौसम में जल सिंघारा मौसमी फल होता है, इसलिए भी यह देवी लक्ष्मी को प्रिय है। तीसरा, श्रीफल दे उत्तम फल। शास्त्रों में नारियल को श्रीफल कहा गया है। देवी लक्ष्मी का एक नाम श्री भी है। लक्ष्मी माता का प्रिय फल होने के कारण ही नारियल को श्रीफल कहा गया है। मखाने की तरह यह भी कठोर आवरण से ढका रहता है, जिससे यह शुद्ध और पवित्र रहता है। लक्ष्मी मैया को नारियल का लड्डू, कच्चा नारियल एवं जल से भरा नारियल अर्पित करने वाले पर माता प्रसन्न होती है। चौथा, बतासे। बतासे से करें लक्ष्मी माँ का मुंह मीठा। जिस प्रकार गणेश जी को मोदक प्रिय हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी माता को बतासे पसंद हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मखाना, जल सिंघार और बतासे, ये तीनों ही चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं हैं। चंद्रमा जल का कारक है। चंद्रमा को देवी लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। चंद्र से संबंध होने के कारण बतासे माता को प्रिय हैं। यही कारण है कि दीपावली में बतासे लक्ष्मी माता को अर्पित किए जाते हैं। पांचवा और मुख्य, पान की लाली माँ को भाए। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध की कथा है। महिषासुर से युद्ध करते हुए देवी थक जाती हैं। थकान दूर करने के लिए माता मधु से भरा पान खाती हैं। इसके बाद माता कहती हैं, महिषासुर क्षण भर गरज ले, अभी युद्ध में मैं तुम्हारा वध करूंगी। इतना कहते ही माता महिषासुर पर आक्रमण कर देती हैं और महिषासुर शीघ्र ही माता के हाथों मारा जाता है। महिषासुर का वध करने वाली देवी महालक्ष्मी को माना जाता है। माता को पान बहुत पसंद है। मधु यानी शहद से भरा पान खाने के बाद जब होंठों पर पान की लाली आ जाती है, तो इसे देखकर देवी आनंदित होती है। इसलिए पूजा के बाद सबसे अंत में देवी को पान अवश्य भेंट करना चाहिए। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अन्य दूसरे ग्रुपों में शेयर भी करें। सादर धन्यवाद।